आज के इस आधुनिक युग में कुछ ऐसी जगह जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हजारों की तादाद में सैनिक आक्रमण तो किए, लेकिन कहां गायब हो गए इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला। लोगों की यह मान्यता है कि अब तक उस पहाड़ियों पर जो भी गया वह वापिस नहीं आया। क्या यह हकीकत है कि लोग वहां जाते हैं और जंगलों में गुम हो जाते हैं, भूल भुलैया में फंस जाते हैं? आज भी वहां का काला जादू जिंदा है। जिस शहर को काला जादू के नाम से जाना जाता है उसकी हकीकत क्या है? क्या आज के इस आधुनिक और डिजिटल दुनिया में इन सारी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? इन सारे पहलुओं पर आज बात होगी। आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज और मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। आज हम आप लोगों को बताएंगे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक बंधु हैं जिनके द्वारा यह कभी नहीं जानने का प्रयास किया गया होगा कि आखिर कौन सी जगह है जहां से जादू की शुरुआत हुई थी। आज हम जिस गांव और जिस शहर की बात करेंगे आप सभी लोगों को जानकारी होगी, असम के पहाड़ियों के बीच बसे कामाख्या धाम मंदिर की, जहां पर आज भी लोग कहते हैं कि तंत्र साधना को आज भी वहां के तांत्रिक जिंदा करते हैं और तांत्रिक आज भी वहां मौजूद मिलते हैं। लेकिन तंत्र विद्या की बात जहां तक हकीकत है, तंत्र विद्या में लोग कहते हैं कि एकांत वातावरण और शांत जगह होनी अति आवश्यक है। फिल्मों में और धारावाहिक सिनेमा और बड़े बड़े महापुराणों में भी यह बताया गया है कि तंत्र साधना कई सौ वर्ष तक लोग सिद्धियां करते थे और जीवित रहते थे। आज जहां मैं वैज्ञानिकों का मानना है कि लोग 60 साल 80 साल और 70 साल 100 वर्ष 105 वर्ष ही जिंदा रह पाते हैं, तमाम बातों के बीच हम आज बात करेंगे असम की उन पहाड़ियों की विस्तृत जानकारी और उस गांव की विस्तृत जानकारी जिस गांव से जादू को लोग काला मैजिक और काली दुनिया के नाम से जानते हैं। असम की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है मायोंग। मायोंग गांव में आज भी असली इंद्रजाल लोगों का मानना है कि मौजूद है। कई ऐसी मंत्र और कई ऐसी शक्तियां जिसके बारे में वहां के लोगों का मानना है कि वह प्रशासन को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन कई ऐसे मंत्र आज भी उस गांव में हैं, आज भी रहस्यमयी बने हुए हैं, जिसको कह पाना, सुन पाना और देख पाना नामुमकिन है। वहीं एक कहानी वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि 1332 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने 100,000 सेना के साथ असम के इस छोटी शहर मायोंग पर हमला कर उसे अपना बनाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वहां करीब हजारों की संख्या में तांत्रिक मौजूद थे और सभी लोगों ने आक्रमणकारी राजा से बचने के लिए एक ऐसी दीवार तैयार की जहां लाखों की संख्या में सैनिक गए और दीवार पार करते गए और सभी सैनिक गायब होते गए। वह कहां गए, किस दुनिया में गए, आज तक किसी को यह पता नहीं है, जो महज कहानियों के रूप में आज भी वहां लोगों द्वारा बताया जाता है। उसके प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है कि वह सैनिक गए कहां और सैनिक गायब हुए तो कैसे गायब हुए और किस समय गायब हुए, यह कहानियों में ही सिमट कर रह गया, प्रमाण अब तक वहां नहीं है। वहीं दूसरी कहानी एक बताया जाता है 1667 में, जहां मुगल औरंगजेब ने जब असम पर कब्जा करने की ठानी तो वहां मायोंग की माया से जो सेना की टुकड़ी वहां गई थी, अब तक मायोंग की पहाड़ियों में दफन होकर रह गई। अब तक उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह सैनिक गए कहां। वहीं मायोंग की यदि आप सफर करते हैं, मायोंग जाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही उस गांव से पास के
जीप स्टैंड, बस स्टैंड, चूंकि वहां के लिए कोई बड़ा साधन नहीं है, रेलवे नहीं है, वहां एक म्यूजियम लोग बताते हैं, जिस म्यूजियम में आज भी काला जादू के कुछ रहस्यमयी चीजों को रखा गया है जो वहां के इतिहास को बरकरार रखे। ऐसे ऐसे जंतुओं के दांत, नाखून, दिल, पंख, तमाम चीज आज म्यूजियम में मौजूद है। उस समय की जो भाषा हुआ करती थी लकड़ियों के पतले पेपर पर, आज भी पूर्वजों की भाषाओं में प्रतिलिपि की तरह मौजूद है। उन गांव की बात करें, मायोंग गांव की बात करें, तो आज भी वहां कई ऐसे तांत्रिक हैं, दूर दूर से लोग, अन्य बड़े शहरों से, छोटी शहरों से, गांव से, जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हो जाते हैं, वह जाते हैं और लोगों का मानना है कि वहां के तांत्रिक तंत्र विद्या से, साधना से उनके कष्टों का निवारण करते हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, आज भी वहां रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना है कि वहां आज भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले लोग बताते थे कि जो भी वहां गया उस गांव में, या तो शेर बन गया, भेड़ बकरी बन गया, पक्षी बन गया, कबूतर बन गया, सांप बन गया, वह वापिस जिंदा नहीं आया, जिसकी वजह से आज भी कोई वहां जाना नहीं चाहता है। तमाम गाने जो चलते हैं कि पिया जी जन जय हा पूर्ववा जहां बंगलिनिया बसे हो राम, क्योंकि आज भी महिलाओं का मानना है कि वहां बंगाल का जादू, जिसे असम का जादू माना जाता है, आज भी वहां की महिलाएं पुरुषों को बस में कर लेती हैं। लेकिन वहां के जो रिसर्चर हैं, जो वहां के खोज करने वाले लोग हैं, आज भी जो खोजी टीम है, उनके जाने के बाद जो तथ्य दिखाए गए हैं, जो बातें बताई गई है, वो कई हजार साल पूर्व की बात है, जहां पर पुरुषों को महिलाएं पशु पक्षी में तब्दील कर देती थी अपनी तंत्र साधना विद्या से, और लोग वहीं रह जाते थे, वापिस अपने घर नहीं आ पाते थे, और उनको जब जरूरत होती थी, जब उनकी कमियों को पूरा करना होता था, तो वापिस अपनी तंत्र विद्या से उसको इंसान बनाती थी और अपने शौक पूरा करती थी, और वापिस पशु पक्षी बनाकर छोड़ देती जंगलों में। आज भी वहां की पहाड़ी, आज वहां के पेड़, वहां के पशु पक्षी, आज भी लगता है कि मानो उनके बीच आत्माएं बसी हुई है। हम लोग कभी गए नहीं है, लेकिन जो आप अभी भी सर्च करेंगे गूगल में, यूट्यूब पर, और वहां के लोगों से जो आपके आसपास शहरों में बसे हैं, असम या फिर मायोंग गांव से भी लोगों का मानना है कि इन रहस्यमयी बातों की वजह से वहां पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे पैदावार, कृषि, तमाम चीजों में तब्दील हुआ है। तमाम नए आधुनिक युग के जो बच्चे हैं, वह इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, अलग दुनिया में जाना चाहते हैं, और अपनी अच्छी जीवन यापन करने की शौक रखते हैं, वह उस गांव से दूर अब शहरों में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहां हम उस दुनिया को नहीं देख पाएंगे जो डिजिटल दुनिया बाहरी परिवेश में रहती है। क्योंकि यदि आपके घर पता चल जाए कि कोई तांत्रिक अतंत्र विद्या का ज्ञानी आने वाला है, तो पूरा परिवार एक डर के साए में जीना शुरू कर देता है, और आने के बाद सबकी आंखें, सबके शरीर में एक अलग हलचल, रहन सहन, खान पान, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। सोचिए जरा उस गांव में कैसे लोग रहते होंगे, उस गांव में कैसे लोग जाते होंगे, और यदि आपको पता चले कि कोई मायोंग गांव का आपके बीच जॉब कर रहा है, तो उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। यहां तक कि लोग मायोंग के जो रहने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जो सर्च करते हैं, उनमें जो बातें बताई जाती है, उसमें यह बताया जाता है कि आज हर कोई कुछ न कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है। यदि आपके बीच पांच लोगों की टीम है, यदि लगे कि नहीं या जादू जानते हैं, तो एक मन में उत्सुकता होती है कि भैया जरा दिखाइए कैसे जादू आप लोग करते हैं, और जादू जब कर देता है तो लोगों को ये लगता है कि अब हमको सिखाइए कि कैसे जादू कर रहे हैं, ताकि हम भी कर पाए।
और उनके लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जादू सिखाएगा कौन, क्योंकि जो मायोंग गांव के लोगों का मानना है, जो वहां के पूर्वज हैं, जो आज भी वहां के जादूगर जिंदा हैं, उनका मानना है कि मायोंग की धरती पर पैदा होने वाला ही जादू विद्या सीख सकता है और उसको इस साधना के बारे में संपूर्ण ज्ञान बताया जा सकता है। यदि यह विद्या बाहरी किसी लोग के पास गई और बाहरी कोई सीखा तो इस गांव की जो हकीकत है, जो गांव में अद्भुत शक्तियां आज भी जिंदा है, वो सब सिमट कर रह जाएंगी, सब खत्म हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। और सीखने वाले व्यक्ति के साथ, सिखाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा, आज भी वो रहस्य बना हुआ है। क्या यह हकीकत है या कहानी है, इस पर आप किस तरह विश्वास करते हैं? मयूंग के बारे में आपको कितनी जानकारी है, मयूंग के गांव के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, या फिर क्या आप इससे पहले मयूंग की असली इंद्रजाल, असली काला जादू, आज भी क्या वहां पे आत्माएं जिंदा हैं? जो कई हजार सैनिक उस दीवार में गायब हो गए, वह आज तक वापिस नहीं आए, तो उनकी आत्माएं क्या वहां भटकती हैं? क्यों वहां जाने के बाद लोग कहते हैं कि आप सुबह 10 बजे के बाद म्यूजियम जाइए और 3 बजे से पहले पहले चले आइए, नहीं तो हो सकता है कि आप भी पशु पक्षी में तब्दील हो जाएं और आज भी आप भी गायब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज तक वहां के नियमों का पालन करने के लिए हर इंसान बाध्य है। इसके पहले एक बात बताई गई थी कि काला जादू आज भी है या नहीं है, उस पर विश्वास किया जाए या पहले की तरह कहानी है, यह वहां जाने के बाद सत्य को साबित करता है। आज भी जो बुजुर्ग हैं वह काली दुनिया, काली जादू, काली शक्तियों को मानते हैं। जो आधुनिक युग के लड़के हैं, जो इस जमाने के लड़के हैं, जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो वहां की व्यवस्थाएं रही है, जो वहां के लोगों को जागरूक किया गया है, उसमें शायद नई शिक्षा, नई दुनिया और नए लोग अपना जीवन स्वयं अपनी तरह जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से पहले की जो मान्यताएं हैं आज भी कहानी बनी हुई हैं, उसके प्रमाण म्यूजियम में कुछ हैं, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है। जैसा कि महाभारत में भी बताया गया है कि भीम पुत्र घटोत्कच, भीम और हिंडिंबा का पुत्र था, जो राक्षस कुल में जने होने के कारण उसके पास तिलिस्मी शक्तियां थी, जिसे बताया जाता है कि मयूंग का राजा था, वह वहीं का राजा बताया जाता है जिसका बात अब तक आप लोगों ने सुना। अब तक वहां की शक्तियों के बारे में बात की जाए, वहां के लोगों के बारे में बात की जाए, वहां एक पहाड़ी है जहां आज भी बूढ़ा पहाड़ माया मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, इसकी मुख्य वजह है लोगों का, वहां के लोगों का भी मानना है कि वहां अब तक जो कोई गया वह वापिस नहीं आया, जंगलों में भटकता रह गया या फिर वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गया। इसकी क्या हकीकत है, क्या आज भी वह माया की दीवार जो 1332 ईस्वी में बनाई गई थी जिंदा है, जिस दीवार को पार करते ही लोग गायब हो जाते हैं, या फिर वह कहानी है? यदि आप मायूंग गए हों या फिर वहां के बारे में जानते हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आप इन सारी बातों पर, काली दुनिया, काला जादू, तंत्र विद्या या फिर जो मंत्रों की वजह से लोगों को हानि पहुंचाते हैं, लोगों को लाभ देते हैं, तंत्र विद्या से लोग अपनी प्रसिद्धियों को हासिल करते हैं, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं? क्या यह हकीकत है या कहानी, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे हम इतना निवेदन जरूर करेंगे, कामाख्या देवी मंदिर आप एक बार जाएं और वहां की क्या कुछ हकीकत है, क्या शक्तियां आज भी जिंदा है, क्या तंत्र विद्या आज भी जिंदा है, क्या तांत्रिक आज भी लोगों को गायब कर सकते हैं, मनुष्य को पशु पक्षी बदल सकते हैं, वस्तुओं में तब्दील कर सकते हैं, जो पहले के लोग बताते हैं कि
पशुओं को इंसान और इंसान को पशु बनाने की शक्ति थी। सोशल मीडिया पर बड़ी तलाशने के बाद एक नंबर हमको मिला जिसमें एक व्यक्ति ने जाहिर किया है कि मैं मयंक का हूं और किसी भी समस्या के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमने उस नंबर पे अभी आज बात किया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी कहानी मात्र रह चुकी है, जो पहले की हकीकत है अब वह नहीं रह गई है। पहले की कहानियां हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन आज भी तंत्र विद्या कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन पहले की मान्यताएं थी कि यहाँ लोग आते हैं तो गायब हो जाते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, लोग आते हैं और घूमते भी हैं और जाते हैं, जिसके लिए आप गुवाहाटी और तमाम जो आसपास के शहर हैं वहां से रिजर्व गाड़ी करके यहाँ आ सकते हैं और मयंक गांव को घूमने के बाद अब आप वापिस भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ जंगल कुछ ऐसी जगह है जहां पर आज भी जाना बिल्कुल मना है। बाकी जानकारी बाकी अपडेट आपको कैसी लगी, आप इन सारे पहलुओं पर अपनी क्या सोच रखते हैं, क्या यह कहानी है या फिर आज भी इसकी कुछ हकीकत वहां मौजूद है, इन सारे पहलुओं पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही आप गए हो तो अपनी जानकारी अपना अनुभव जरूर शेयर करें हमारे लिए। जब मैं आज इस तमाम बातों के लिए जब रिसर्च कर रहा था, हमने देखने का प्रयास किया, हमने जानने का प्रयास किया, तो जो अब तक कहानी और जो अब तक आधी फसाना आधी हकीकत तमाम जानकारी मिली वो हम आप लोगों के बीच रखे हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही जरूर बताएं कि क्या आज भी काला जादू है या फिर पहले की कहानियों में जो लोग सुनते थे वह कहानियों में ही सिमट कर रह गया। आज डिजिटल दुनिया में सभी लोग डिजिटल तरीके से जीना चाहते हैं और पहले की बातों को अनसुना कर लोग नई दुनिया और नए बातों पर विश्वास करना चाहते हैं और विश्वास करते भी हैं। पहले की जो जादू और अनसुनी कहानियां और इस तरह की बातें थी वह झूठा करार लोग देते हैं या फिर आज भी सच्चाई जिंदा है, जरूर बताएं। धन्यवाद।